हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम क्लासेस में। आज से आपके ट्रिपल सी के टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो आज से आप अपने टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करिए। आपको आगे हर एक स्लाइड पे क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उन ऑप्शंस को आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए और आप अपने टेस्ट देते जाइए। जैसे ही आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आंसर करिए। हाँ, राइट आंसर है 2 दिसंबर, वेरी गुड। ऐसे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओएस पोर्टेबल कहलाता है, विंडोज 7, 8, विंडोज 9 या लाइनक्स। यस, लाइनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईसी चिप किसका बना होता है, सिलिकॉन, क्रोमियम, सिल्वर या कोई नहीं, फटाफट आंसर करिए। वेरी गुड, ये पहला आंसर आपका सही है, सिलिकॉन। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है, चार कंप्यूटर्स आपके सामने हैं, वेरी गुड, डिफरेंस इंजन और एनालॉजिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अगला, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जी हाँ 10, 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। रैम किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, जी ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, वेरी गुड। अगला, दुनिया का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, यह हमने बताया था आपको, आंसर करिए। जी हाँ, पहला है ENIAC, 1946 में बनाया गया था। साटा का पूरा नाम क्या होता है, दो तरह के पोर्ट आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, साटा और पाटा, स्पेशली स्टोरेज डिवाइस के लिए। हाँ, इसका पहला आंसर सही है, वेरी गुड। LCD किस प्रकार का उपकरण होता है, इसको ध्यान से पढ़िए। जी हाँ, ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर को हम LCD के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर करिए। जी, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।